हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से। और आज के लेक्चर में कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों ने एक बार ट्राई तो किया होगा कम से कम। तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन इज फाइंड के सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहली बात, ये क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा अभी, एट प्रेजेंट ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, बट हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकते हैं बाय अज्यूमिंग द वेरिएबल 3 raised to power x = t। ठीक है, क्योंकि मैं इस 9 की पावर x को आई कैन राइट इट लाइक दिस वे, 3 का स्क्वायर की पावर x, और मुझे पता है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 3 की पावर 2x। और फिर मैं इंटरचेंज करके लिख देता हूं, फिर 3 की पावर x की पावर ऐसे लिख सकता हूं, और फर्दर आई कैन राइट दिस इज 3 की पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर है, हाउ टू गो फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द वे। ठीक है, चलो अब हम रख देते हैं इधर। तो देखो मेरा क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, k माइनस टू इंटू टी स्क्वायर, 3 की पावर x का स्क्वायर लिखा है ना ये, तो टी स्क्वायर माइनस 2 times 3 की पावर x, मतलब टी प्लस 3 is greater than 0। यहां तक तो ठीक है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है इसके लिए, देखो अब देखना सुनना। मैंने क्या बोला, जब हमने 3 की पावर x को t माना, मुझे जो दे रखा है x, वो क्या दे रखा है, x is greater than 0। तो मैं क्या करूंगा, इस x को आई हैव टू मैप इट इनटू वेरिएबल t, मतलब क्योंकि अब मेरा क्वाड्रेटिक कहां में बना है, वेरिएबल t में बना है ना, सो आई शुड हैव समथिंग लाइक दिस, फॉर ऑल t बिलोंगिंग टू समथिंग। वो समथिंग क्या, पहले वो देखते हैं हम, सो दैट x हट ही जाएगा हमारे पिक्चर से, देन वी विल वर्क इन t। तो देखो जब x ग्रेटर देन 0 है ना, तो देखो ये t को मैंने क्या माना है, 3 की पावर x, जब तुम x की जगह 0 रखोगे तो यू विल गेट t = 1, और x की जगह इंफिनिटी रखोगे तो मेरा t आएगा इंफिनिटी। तो अगर x 0 से इंफिनिटी वेरी कर रहा है, तो t विल गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एंड सिंस इट इज कंटीन्यूअस, सो इट विल टेक ऑल द वैल्यूज बिटवीन 1 टू इंफिनिटी, ऐसे समझ लो। या फिर इसका ग्राफ, a की पावर x का ग्राफ, जैसे 3 की पावर x का ग्राफ क्या होता है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, हमने लॉग में पढ़ा है, और इस टाइप का ग्राफ होता है, दिस इज 3 raised to power x। तो x अगर 0, ये 0 है, तो 0 इसमें रखूंगा तो क्या, कहां कट करेगा, 1 पे, सो दिस इज 1। तो अगर मेरा x 0 से यहां से लेके यहां तक का ग्राफ है इंफिनिटी तक, तो यू कैन सी कि जो y, जो 3 की पावर x है, वो क्या देगा आउटपुट, यहां से लेके पूरे यहां तक 1 से इंफिनिटी, तो t विल गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये मेन टास्क था इसमें, एक टास्क। उसके बाद तो फिर पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया ये, तो मेरा हो जाएगा t बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट, x अगर ग्रेटर देन 0 है तो t मेरा होगा 1 से इंफिनिटी। क्लियर है, अब मेरा क्वेश्चन, अब फॉरगेट अबाउट x एंड सम x और वो सबको भूल जाओ। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, x वाले को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, फॉरगेट अबाउट दिस x, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है अभी के लिए, मैंने कहा ये रब कर दिया मैंने पार्ट, अब तुम्हारा क्वेश्चन इसमें कर, तुम कॉपी कर लेना जो मैंने रब किया अभी, ठीक है ना, यू हैव टू कॉपी दैट पार्ट। मैंने बोला अब ये तुम्हारा एज अ फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सच दैट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। तो इस टाइप को हमने किया था इससे पहले, जो 5 टू इंफिनिटी वाला था, एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा सा एक माइन्यूट सा अंतर है, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी, देखना। देखो मैंने बोला दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेट्स से मैं इसको f(x) f(t) बोल रहा हूं, तो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, उसका जो ग्राफ है दैट शुड लाई अबव x एक्सिस। तो जो ये ग्राफ है, इस स्टेटमेंट ने बोला कि इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर आना चाहिए फॉर दिस इंटरवल। अच्छा अगेन अब मैं बोलू कि अगर ये वाला इंटरवल नहीं दिया होता, इंस्टेड ऑफ ये बोला होता t बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तब अगेन ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता, कल भी बताया था मैंने, क्या बोलता है, दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट मींस क्या होना चाहिए, पैराबोला अपवर्ड होना चाहिए, और अपवर्ड होना चाहिए प्लस टोटली अबव x एक्सिस होना चाहिए, मतलब अगर ये होता सिनेरियो तो मेरा एक ही पॉसिबिलिटी केस होती दिस, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, मतलब क्या होगा अगर ऐसा होता, तो वो नहीं है मैं अभी लिख रहा हूं, अगर ऐसा होता तो मेरा क्या लिखता है, a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, ठीक है, बट ये सिनेरियो नहीं है मेरा, मुझे t इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो गया ये। तो अब क्या करें, अब हम देखते हैं, अब सुनना, अब मैंने बोला क्या ये डाउनवर्ड पैराबोला पॉसिबल है, तो आंसर मिलेगा नहीं, द रीजन इज मैंने बताया था डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है दैट कैन बी पॉजिटिव इन फाइनाइट लेंथ, क्या लिखा, डाउनवर्ड पैराबोला कैन बी पॉजिटिव
कैन बी ग्रेटर देन जीरो फॉर फाइनाइट इंटरवल, बट ये तो इनफाइनाइट लेंथ है ना। उसने बोला इस इनफाइनाइट लेंथ के लिए ये पैराबोला पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर आना चाहिए, तो डाउनवर्ड पैराबोला पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बच्चों, पहली बात। अब आते हैं, मतलब हमें फाइनली अब अपवर्ड पैराबोला में डील करना है। अब अपवर्ड पैराबोला में भी अब सिनेरियो बनाते हैं। अब देखना सिनेरियो कैसे बना रहा हूं मैं, विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वन। तो देखना ये मेरा वन है, तो मैंने बोला वन के रिस्पेक्ट में सारे पैराबोला पहले बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द पैराबोला, दिस इज वन ऑफ द पैराबोला, दिस इज वन ऑफ द पैराबोला, वन के रिस्पेक्ट में बना रहा हूं मैं ये सारे पैराबोला, ठीक है। फिर ये मेरा पैराबोला वन के रिस्पेक्ट में, और कोई पॉसिबल है क्या? चलो एक और बना लेते हैं, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें फेवरेबल कौन सा है, पहले वीडियो पॉज करके तुम बताओ, तुम देखो मतलब कि कौन सा फेवरेबल आ रहा है, फिर मेरे आंसर से वेरीफाई करना, ठीक है। अब आते हैं, देखो वन के रिस्पेक्ट में यही छह बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये फेवरेबल है? तो फेवरेबल कब होगा? जब इस इंटरवेल के लिए ये जो पैराबोला है इसका ग्राफ अब एक्स एक्सिस आएगा, तो वो तो आ रहा है एक्स, इस इंटरवेल एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये पैराबोला अब एक्स एक्सिस, दिस इज फेवरेबल। फिर मैंने बोला ये फेवरेबल है क्या x ग्रेटर देन वन के लिए? क्या पैराबोला ऊपर है x एक्सिस के? हाँ है, बिकॉज फॉर दिस इंटरवल पैराबोला की तो ये वाली ब्रांच आ रही है ना, ये वाली, तो विच इज अबव x एक्सिस, हेंस दिस इज आल्सो फेवरेबल। सर मैंने बोला क्या ये फेवरेबल है? नहीं, तो ये नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज x ग्रेटर देन वन के लिए इतने रीजन के लिए पॉजिटिव है, प्लस इसके बाद पॉजिटिव है, इस ये जो बीच का रीजन है ये वाला, उसके लिए तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसने बोला इस पूरे इंटरवल के लिए वन से इंफिनिटी के लिए ये पैराबोला जो होना चाहिए दैट शुड बी टोटली अबव एक्स एक्सिस। क्लियर है? अब आते हैं इस पे, तो ये मेरा फेवरेबल होगा क्या? अगेन आंसर क्या मिलेगा मुझे? नहीं होगा। द रीजन इज ये देखो, इस इतने पार्ट के लिए पैराबोला नीचे आ गया ना, बट मुझे तो वन के बाद पूरा ऊपर चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नॉट फेवरेबल। हाँ फिर चलो इस पे आते हैं, पहले ये जो है x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या ये पैराबोला पूरा x एक्सिस के ऊपर है? नहीं है। देखो इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए डाउनवर्ड है ना 1 के बाद, तो दिस इज नॉट फेवरेबल। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, अब मैं इसलिए लास्ट में ले रहा हूं इसको। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पॉज करो वीडियो और सोचो क्या ये फेवरेबल है, और मैं थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छी बात होगी, ठीक है ना। इज इट फेवरेबल और नॉट, लेट मी नो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है, दिस इज फेवरेबल। देखो क्या था, इसने क्या बोला, इसको रीड करो, टी ग्रेट, इधर ओपन लगा है, इधर ओपन लगा है, इसने बोला है कि टी ग्रेटर देन वन के लिए, टी ग्रेटर देन वन के लिए इक्वालिटी नहीं है, इधर क्लोज ब्रैकेट नहीं है। देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा था, फाइव कॉमा इंफिनिटी टाइप था, ठीक है, इधर फाइव पे क्लोज था, उसने बोला था फॉर ऑल एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो उसका उधर क्या मतलब था कि फाइव पे क्लोज है, मतलब फाइव के लिए भी, फाइव के लिए भी हमारा पैराबोला ऊपर आना चाहिए, मतलब फाइव पे भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलनी चाहिए, बट इसने क्या बोला है कि टी ग्रेटर देन वन के लिए पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो देखो इसमें टी ग्रेटर देन वन के लिए तो पॉजिटिव मिल रहा है ना, टी पे वन, टी पे जीरो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगर इधर क्लोज होता, इफ इट इज क्लोज देन दिस इज नॉट फेवरेबल, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अगर अभी अभी वाला स्टेटमेंट देखो तो क्या लिखा है, फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो मतलब वन पे भी ये पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये वन पे पॉजिटिव तो नहीं है, वन पे जीरो है, तो अगर ये क्लोज होता तो इधर ये वाला केस नहीं आता, बट सिंस इट इज ओपन इसलिए ये वाला केस आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर हो बच्चों? चलो तो अब हमारे तीन फेवरेबल केस आ गए, इन तीनों को करस्पॉन्डिंग कंडीशन लिख देते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है ना। हमने कैसे सिलेक्ट किया, वन के रिस्पेक्ट में सारे पैराबोला बनाए, फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने रिजेक्ट किया, अब एक बार सिलेक्ट हो गया पैराबोला, मतलब ग्राफ सिलेक्ट हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हम कंडीशन लिख देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, सॉल्व तुम लोगों को करना है, मैं केवल कंडीशन लिखूंगा, ठीक है ना, सॉल्व यू हैव टू। चलो तो देखना इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, पैराबोला पूरा एक्स एक्सिस अपवर्ड तो है ही, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड डी शुड बी लेस देन जीरो, ठीक है। अच्छा ये जो पैराबोला है इसके लिए क्या होगा मेरा, देखो वन इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, तो a into f of 1 should be greater than 0, d should be greater than equal to 0, and 1 is greater than vertex ka x coordinate minus b by 2a. इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या करो तुम, 1 को quadratic में रख दो, क्योंकि 1 इसका रूट है ना according to this diagram, so you will get k का कोई value,
चलो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, देखना तुम लोगों को आता है कि नहीं, लेट मी नो द फाइनल आंसर। क्या बोला मैं, ये दोनों केस तो हो जाएंगे सिमिलर की तरह, इन दोनों को सॉल्व करो, इन तीनों को सॉल्व करो, इन तीनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर उन दोनों का यूनियन। और अभी ये केस थ्री हमारा क्या है कि इस डायग्राम के हिसाब से क्या है, वन मेरा रूट है, वन मेरा रूट है, तो क्या करो के उसमें इक्वेशन में पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन क्वाड्रेटिक एंड गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड गेट वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू देख लो, ठीक है। बट अगेन इसमें भी थोड़ा सा एक चीज और है, अगर मैंने एक्स की जगह वन डाला, ठीक है, तुम्हारी के की कोई वैल्यू आ गई, अब उस के की जगह तुम के की दोबारा वैल्यू क्वाड्रेटिक में रखो और देखो क्या वो पैराबोला यही आ रहा है क्या, दैट इज योर टास्क। फिर उसमें तुम मुझे कंक्लूड बताना क्या हो रहा है। मैंने क्या बोला दोबारा एक बार सुनो, ये वाले केस में x is equal to, मैंने बोला इस डायग्राम के हिसाब से x is equal to 1 उस क्वाड्रेटिक का रूट हुआ, फिर x is equal to 1 उसमें रखो क्वाड्रेटिक में, you will get k का वैल्यू आ गया तुम्हारा, लेट्स से 1 आया 2 आया जो भी आया, वो वैल्यू दोबारा क्वाड्रेटिक में रखो, तो तुम्हें अब x में क्वाड्रेटिक मिलेगा। अब देख लो क्या वो ये यही पैराबोला आ रहा है, बिकॉज द रीजन इज और कोई भी आ सकता है, और कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है ना। बट आई वांट कि थोड़ा एनर्जी तुम लोग लगाओ, ऐसे मैं डायरेक्टली बता दूंगा फिर कोई इसका यूज नहीं होगा, ठीक है ना। और देखता हूं कौन कौन पूछता है मुझसे इस पर्टिकुलर केस के बारे में, ठीक है। चलो अब हम कुछ एडवांस के क्वेश्चन करते हैं, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ये कंप्लीट करना है, ये दिस इज योर टास्क, ठीक है ना। पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, दिस यू हैव टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज, यू हैव टू टेल मी द फाइनल आंसर, और स्पेशली ये केस के बारे में मुझे बताना तुम लोग। मैंने बोला क्या एक बार और बता देता हूं, x is equal to 1 इस डायग्राम के हिसाब से रूट है, उसमें रखा, उधर से k का वैल्यू आया, फिर दोबारा k का वैल्यू उसमें रख दिया, ठीक है ना। तो x में क्वाड्रेटिक बना, जस्ट सी की वो यही आ रहा है कि नहीं, ये नहीं आएगा एक्चुअली, इसलिए k, इसके करस्पॉन्डिंग जो k की वैल्यू आई ना वो रिजेक्ट होने वाली है, दैट योर टास्क इट इज कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एडवांस में, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सुनना। मैंने बोला चलो एक क्वेश्चन ये अच्छा है, मैंने बोला लेट एक्स बी अ रियल नंबर सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू साइन ऑफ थीटा, वेयर एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना क्वाड्रेटिक से कम बट मिक्सअप टाइप का है, जीरो टू पाई देन मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री बाय टू प्लस मॉड ऑफ इलेवन बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू, और ऑप्शंस दे रखे हैं तुम्हारे सेवन, ऑप्शन बी इज टू एक्स माइनस सेवन, ऑप्शन सी इज सेवन माइनस टू एक्स एंड ऑप्शन डी इज फोर, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो, ठीक है ना, वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से करो। चलो अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले इधर मॉड दिया है, ठीक है, मॉड दिया है तो मेरा टास्क क्या है कि वॉट एवर इज रिटन इन साइड द मॉड इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड को डायरेक्टली ओपन कर दूंगा, अगर नेगेटिव होगा तो आई विल एड विद द नेगेटिव साइन। तो अभी तो इधर एक्स वेरिएबल है, x here it is a variable, तो we don't know कि ये positive होगा या negative होगा, तो हम ऐसे तो open कर नहीं सकते mod, उसके लिए मुझे ये information दे रखी है, तो इसको हम use करेंगे, इस equation को, to see कि ये कहां जा रहा है, ठीक है। तो देखना अब मैंने बोला इसके RHS पे आते हैं, RHS क्या लिखा है, 1 plus 1 by 2 into sin theta। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी रेंज निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, ये इसकी रेंज निकाल रहा हूं, मतलब ये क्या क्या वैल्यू ले सकती है ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है थीटा का, व्हाट ऑल इट कैन टेक, ठीक है। तो देखो मेरे को पता है जो साइन थीटा है, चलो मैं ऐसे ऐसे बता रहा हूं इसको, साइन थीटा जो है वो हमारा कहां से कहां जाता है, माइनस वन टू वन, ठीक है ना, आई होप पता है इतना तो। और ये वाला जो मैथड तो मैं बता रहा हूं ना, इसकी रेंज निकालना, ये तुम लोगों को विनोद सर ने बताया फिजिक्स में, ठीक है, आई हैव सीन दैट पार्ट। तो देखो उन्होंने मुझे एक बार मेरे साथ डिस्कशन हुआ था कि मैं, तो उन्होंने बताया था कि ये वाला पार्ट ही टोल्ड, ठीक है ना। अब सुनना, अब मैंने बोला कि मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाफ इंटू साइन थीटा इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डेफिनेटली माइनस हाफ से हाफ,
देखो थोड़े ऐसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो थोड़ा अगर मान लो मन में आए थोड़ा डाउट भी आ रहा है तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हाफ साइन थीटा की रेंज आ गई है, अब मैंने क्या किया दोनों साइड वन, अब मैंने बोला अगर इसकी रेंज ये है तो वन ऐड कर रहा हूं मैं, वन बाय वन प्लस हाफ साइन थीटा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, वन प्लस हाफ साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, वन माइनस हाफ कितना हो जाएगा, वन माइनस हाफ से लेके वन प्लस हाफ, बेसिकली ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा हाफ से थ्री बाय टू, हाफ मतलब 0.5 से थ्री बाय टू, 2.5 सॉरी 3.3/2 इज 1.5, ठीक है। मैंने बोला इसकी रेंज मेरी आ गई 0.5 से 1.5। अच्छा अब हम इस पे आते हैं, फोकस करते हैं। अब देखो अगर x मेरा 0.5 से 1.5 है, लेट्स से 1 आ रहा है, तो उस इंटरवल ऑफ x के लिए ये वाला जो क्वांटिटी है क्या है, बेसिकली पॉजिटिव है ना, सॉरी नेगेटिव, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, इट इज नेगेटिव। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, x बाय टू ही था ना, x माइनस 3/2, या इट इज करेक्ट, x माइनस 3/2 प्लस 11/2 माइनस x का मॉड, ठीक है। तो सुनो मैंने बोला 1 प्लस हाफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, बट अभी मेरा ये x नहीं है, सॉरी देखो ये log x टू द बेस 3 की आई है अभी, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, इसका अभी रेंज निकाला हमने, वो कितना आया 0.5 से 1.5, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब मैंने बोला मुझे अल्टीमेटली पहले x की रेंज निकालनी है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि log x टू द बेस 3, log x टू द बेस 3 ये कहां से कहां लाई कर रहा है, इसके अंदर, मतलब इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5। देखो क्लियर है क्या, मैंने इसकी रेंज निकाली वो ये आई, वही तो ये लिखा है x log x टू द बेस 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, x को रिमूव कर रहा हूं, तो देखो क्या आएगा, x इज लेस देन इक्वल्स टू, log को रिमूव कर रहा हूं तो ये जाएगा, ये क्या चला जाता है 3 की पावर में चला जाता है, 3 की पावर 1.5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 की पावर 0.5। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू ये हो गया 3√3 और ये हो गया मेरा √3। x की मेरी ये रेंज आई, ठीक है ना, दिस इज नॉट द x रेंज ऑफ x, ठीक है ना, जल्दी जल्दी मैं गलती मत कर दे रहा, इवन अभी मैंने ये रखने वाला था, ठीक है ना, बट देन आई सॉ कि नहीं ये है एक्सप्रेशन, इसकी रेंज आई थी वो, इसकी नहीं आई थी, x की ये आई रेंज, तो मतलब जो x है वो इट कैन गो फ्रॉम √3 से 3√3, ठीक है। अच्छा चलो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, तो देखो अब एक मिनट के लिए √3 कितना होता है लगभग मेरा, मैं मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली 1.73 होता है, तो 73 मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा तो 3√3 कितना होगा, तो 1.73 इंटू 3 करूंगा, तो 3 3 9, 7 3 21, 3 1 3 5, 5.19 के आसपास होगा, मतलब 5.2 के आसपास होगा, ठीक है। मैंने बोला ये 1.73, ये 5.2 है, तो अब बताओ ये वाले जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी है इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर दिस रेंज ऑफ एक्स 1.732 से 5.2, दिस इज पॉजिटिव बिकॉज 3/2 से बड़ा है ना ये, इस रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट जो है 1.73 वो इससे 3/2 से बड़ा है, तो जो x है वो 3/2 से पक्का बड़ा है इस इंटरवल ऑफ x के लिए, मुझे पता है कि x मेरा इससे बाहर नहीं जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि उसने एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली, तो व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड दिस मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो क्वांटिटी लिखी है मॉड के अंदर दैट इज पॉजिटिव, सो इट विल ओपन विद द पॉजिटिव साइन, तो मैं मॉड हटा के लिख सकता हूं x माइनस 3/2 ऐसे लिख लो, चलो नहीं तो एक एक स्टेप में मॉड ऑफ x माइनस 3/2 इज इक्वल टू x माइनस 3/2, क्यों, द रीजन इज वॉट एवर इज रिटन इन साइड द मॉड इट इज पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड मॉड पे, मैंने बोला 11/2 माइनस x, तो देखो 11/2 क्या है मेरा 5.5, तो 5.5 माइनस x, और मुझे पता है x जो है मेरा वो 5.5 से तो छोटा है ना, क्योंकि 5.2 से छोटा है, तो इसका मतलब अभी भी जो मॉड के अंदर लिखा है एट प्रेजेंट दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, फॉर ऑल दिस x वॉट एवर इज रिटन इन साइड द मॉड इज पॉजिटिव, सो अगेन दिस मॉड विल ऑल्सो ओपन विद अ पॉजिटिव साइन, तो मैं क्या लिखूंगा मॉड ऑफ 11/2 माइनस एक्स, दिस विल बी 11/2 माइनस एक्स, बस अब दोनों को ऐड कर दो, यही तो पूछा है इन दोनों का एडिशन, तो व्हेन यू विल ऐड एक्स क्या हो जाएगा 11/2 माइनस 3/2, दिस इज व्हाट माय मॉड ऑफ एक्स माइनस 3/2 प्लस मॉड ऑफ 11/2 माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 11 - 3, 8/2 इज 4, सो आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सो देखा हमारा कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, मतलब बोल सकता हूँ मॉडुलस इनइक्वालिटी टाइप का ऊपर हो गया, मॉड के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पे नहीं है बेसिकली, दिस इज फॉर द मॉड 1।
ठीक है। अच्छा चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है इसमें किसी स्टेप में देन पूछ लो आज की आज, ठीक है। इकट्ठा नहीं करना है डाउट्स, ठीक है ना, उसी दिन क्लियर करना है जिस दिन लेक्चर है, ठीक है। शाम को पूछो, कभी भी पूछो, यू आर फ्री टू आस्क एट एनी टाइम, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि ड्यूरिंग द लेक्चर यू शुड आस्क, कभी भी पूछ सकते हो, दोपहर में, शाम को, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं, देखो अब लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम JEE एडवांस आयोग, अब आयोग के क्वेश्चन कर लेते दो तीन, ठीक है। मैंने बोला JEE एडवांस 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, देन यू विल सी कि हाँ भाई एडवांस का लेवल क्या है, ठीक है ना, इसलिए मैं करा रहा हूं। और एक बच्चे का रिक्वेस्ट भी था, एक दो बच्चों का, कि सर प्लीज टेक सम एडवांस क्वेश्चन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा बाय टू कॉमा बी टू बीटा, टू बीटा एंड अल्फा बाय टू कॉमा टू बीटा बी द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, देन फाइंड आर, देन फाइंड स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, इन टर्म्स ऑफ पी कॉमा क्यू, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसको डिस्कस करता हूं। तो सुनना, उसने क्या बोला, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माय टी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इनटू बीटा दैट विल बी सी बाय दैट इज आर, दिस ये इंफॉर्मेशन कहां से लेगा, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब सेकंड वाली, इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बाय टू एंड टू बीटा, तो सम ऑफ रूट मतलब अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा दिस विल बी व्हाट क्यू, और इन दोनों का प्रोडक्ट, तो अल्फा बाय टू इंटू टू बीटा इज इक्वल टू सी बाय तो आर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन तो सेम है, इससे कोई हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इज आर, अल्फा इंटू बीटा हर इज आर। अब हमें क्या निकालना, उसने क्या बोला है, फाइंड आर इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, तो आर मेरा क्या है, अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, आई हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ टी एंड क्यू, क्योंकि अगर एक बार मेरा अल्फा और बीटा आ गए टी और क्यू के टर्म्स में, आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर, और अल्फा और बीटा पी और क्यू के टर्म्स में कैसे आएंगे, इन दोनों इक्वेशन से, दिस इज माय इक्वेशन वन एंड दिस इज माय इक्वेशन टू, तो अब नाउ माय टारगेट इज टू फाइंड अल्फा एंड बीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो अब देखो मैंने, चलो क्या करते हैं, इधर पहले लिख लेता हूं दोबारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, और इधर अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया, ये तो मेरी इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इधर अल्फा प्लस फोर बीटा इज इक्वल टू टू क्यू, ये मेरी टू थी और ये मेरी थ्री हो गई। अब मैंने थ्री थ्री माइनस वन कर दिया, इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन वन, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, फोर बीटा माइनस बीटा थ्री बीटा, थ्री बीटा इज इक्वल टू टू क्यू माइनस पी, टू क्यू माइनस पी, तो फाइनली बीटा कितना आया, वन बाय थ्री टाइम्स टू क्यू माइनस पी, देखो बीटा आ गया हमारा। सिमिलरली अल्फा निकालने के लिए क्या करें, अब देखो क्या कर रहा हूं, अल्फा निकालने के लिए इक्वेशन ये है ना वन वाली, अल्फा निकालने के लिए काम करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई कर, इसको टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इक्वेशन वन को, तो क्या आ जाएगा, टू अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू टू पी, क्या किया मैंने, इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई किया, अब इसके नीचे ये लिख लिया, तो अल्फा बाय टू प्लस टू बीटा इज इक्वल टू क्यू, अब दोबारा सब्ट्रैक्ट किया, तो टू अल्फा माइनस अल्फा बाय टू कितना होगा, थ्री अल्फा बाय टू, थ्री अल्फा बाय टू, टू बीटा माइनस टू बीटा जीरो हो गया इज इक्वल टू टू पी माइनस क्यू, तो फाइनली अल्फा कितना आया, टू बाय थ्री इंटू टू पी माइनस क्यू। अब मेरा क्या आ गया, अल्फा और बीटा आ गया इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, अब मुझे निकालना है आर, तो आर है क्या बेसिकली अल्फा बीटा के टर्म्स में, अल्फा इंटू बीटा, तो आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा रख देता हूं मैं, बीटा रख देता हूं, तो जो होगा टू बाय थ्री टाइम्स टू पी माइनस क्यू इंटू बीटा वन बाय थ्री, तो वन बाय थ्री लिख लेते, वन बाय थ्री इंटू टू क्यू माइनस पी, तो फाइनली वी आर गेटिंग टू बाय नाइन इंटू टू पी माइनस क्यू इंटू टू क्यू माइनस पी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ
पी एंड यू, एंड दैट इज माय आंसर। तो सोचो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोई डीप डिटेल आया कोई चीज, सिंपल हमने केवल और केवल सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यूज किया है और कुछ भी यूज नहीं किया। सो यू सी एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस एडवांस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है ना। वो थोड़ा क्या है, फोबिया है उसका, मतलब बना रखा है ऐसा एडवांस के लिए बहुत हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल सी, ठीक है ना, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अभी एडवांस के, देन यू विल सी कि नहीं यार एडवांस में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो हम जो क्लास में कर रहे हैं उससे थोड़ा इजी जा रहा है। बल्कि हाँ, ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, बट एटलीस्ट 50-60% इजी ऐसा पेपर होता है कि दैट यू कैन सॉल्व इट इजीली इवन एडवांस में। अगर क्लास नोट्स तुमने अच्छे से कर रहे हो और जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना वो अगर अच्छे से करोगे, आई एम गारंटिंग इट कि 50-60% पेपर यू विल फील इजी। हाँ, उसके बाद 10-20% मॉडरेट होता है और फिर 20% टफ होता है। तो देखो हमें सिलेक्शन के लिए ना, अगर हमने 50% भी स्कोर किया एडवांस में तो हमारी रैंक बहुत अच्छी आएगी, बहुत आराम से सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं एडवांस इज नॉट अ वेरी हार्ड पेपर एक्चुअली, वो फोबिया है, डरा रखा है, ठीक है ना, हुआ बना रखा है कि एडवांस है मतलब बहुत हाई लेवल है, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो जिसका नहीं आया। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट एडवांस में, ये सिंगल करेक्ट में था, ठीक है ना, ऑप्शंस थे, मैंने ऑप्शंस दिए नहीं थे, ठीक है, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना था, तो ऑप्शन नहीं दिए थे, वैसे तो सिंगल करेक्ट में आया था एडवांस में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो एग्जाम्पल, दिस इज फ्रॉम JEE 2009, JEE 2009 क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8kx प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल्स टू 0 are real and distinct and have values at least 4 and have values at least 4, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इन द सेंस वैसे टफ होता बट हमने लोकेशन ऑफ रूट्स पे बहुत स्ट्रेस दिया है, ठीक है ना, बहुत हमने अच्छे अच्छे लेवल, इससे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, अगर आंसर फाइनली तुम्हारा आ गया तो। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, तो देखो उसने क्या बोला कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए हमें पता है डी ग्रेटर देन जीरो होता है, दिस इज फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। इतना अगर दिया होता तो ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, प्योरली बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन जीरो। बट उसने एक और है, ये स्टेटमेंट बोल दिया कि जो रूट्स है ना दे हैव वैल्यूज एटलीस्ट 4, कम से कम 4 होना चाहिए वैल्यू। तो देखो मैं पहले डायग्राम बना रहा हूं, तो मैंने बोला रूट्स तो रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये है। उसने क्या बोला कि दो जो रूट्स हैं उसकी मिनिमम वैल्यू, देखो ये लिखा है ना, बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड हैव वैल्यू एटलीस्ट 4। तो अब मैंने तुमसे पूछा कौन सा केस में कन्वर्ट हुआ है, तो अगर ये मेरा अल्फा है एक रूट और ये बीटा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है दो जगह, तो ये मेरा 4 कहां आएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दोनों रूट 4 से बड़े होना चाहिए, तो 4 मेरा इधर आएगा। अच्छा, अब मैंने तुमसे पूछा क्या ये करेक्ट है डायग्राम, उसने क्या बोला है उसके हिसाब से, इज इट करेक्ट, कि एक और पॉसिबिलिटी है, सुनना दोबारा क्या बोल रहा हूं मैं, इज इट करेक्ट और देयर इज अदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो, तो आंसर मिलेगा हमारा ये भी हो सकता है, देखना मैं क्या बना रहा हूं, अब सोचो क्यों। द रीजन इज उसने बोला है कि दोनों रूट्स कम से कम 4 होना चाहिए, मतलब 4 या 4 से बड़े, अभी जो हम लोकेशन ऑफ रूट्स में लेते थे उसमें क्या लेते थे, ग्रेटर देन 4, मतलब बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4, इसने बोला है 4 या फिर 4 से ज्यादा, तो इसको लिख लो ऐसे, माफ कर लो, हैव एटलीस्ट 4 मतलब क्या हुआ, 4 या फिर लिखना है तुम लोगों को फिर 4 से ज्यादा, ठीक है ना,
फोर या फोर से ज्यादा, तो फोर भी हो सकता है ना। जैसे हमारा क्या था, हमारा यही केस होता था, हम क्या इसमें क्या बोलते थे कि फोर k इज लेस देन बोथ द रूट्स, k वेयर इज k इज फोर, तो फोर इज लेस देन बोथ द रूट्स, बट इसने बोला k फोर इज लेस देन इक्वल्स टू बोथ द रूट, ठीक है। तो माइन्यूट सा चेंज आएगा, बहुत माइन्यूट सा। चलो तो अब करते हैं इसको, तो पहले तो हाँ इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं। तो देखो इसके लिए एक तो है d ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और क्या होता है पहला, सबसे पहला ए एफ के ग्रेटर देन जीरो, तो a इंटू एफ ऑफ फोर ग्रेटर देन जीरो, और एक होता है हमारा माइनस b बाई टू ए, दैट इज वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन क्या होगा फोर। अच्छा अब बताओ क्या इसमें ये कवर हो गया, क्या क्या इनमें वो कवर हो गया क्या, तो आंसर मिलेगा अभी नहीं हुआ, एक चीज में लगाता हूं जब कवर हो जाएगा, इस वाले में मैं इक्वालिटी लगा देता हूं। अब क्या ये दोनों क्लब हो गए इन कंडीशन से, पहले मैं क्या लेता था a into f of 4 greater than 0, मतलब कि जो 4 है वो आउटसाइड द रूट्स आता था, तब मैं लेता था a f 4 greater than 0, अब बोल रहा है कि आउटसाइड या फिर एक रूट हो जाए, तो इधर इक्वालिटी आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, या फिर तो मैं अगर नहीं लिखना तो एक काम करो इसको हटा दो, इसके लिए अलग से सॉल्व कर लो, इसके लिए देखो, बट इसके लिए भी क्या होगा d greater than 0, इसमें क्या हो जाएगा f of 4 is equal to 0, और what 4 is और minus b by 2 is greater than 4, यार इनको सॉल्व करो, बट इतना करने की जरूरत नहीं ना, समझ में आया वो क्या लिखा है, d greater than 0 f of 4 equals to 0, फंक्शन का वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 पे 0 है, क्योंकि 4 रूट है ना अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो देखो ये सेम है, ये दोनों सेम है, बस इधर क्या है a into f of 4 greater than 0, इधर equal to 0 भी आ रहा है, ठीक है ना, ये तो मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंस्टेड ऑफ सेपरेटिंग कैलकुलेटिंग सेपरेटली मैं इधर लगा देता हूं greater than equals to, तो मेरा काम हो जाएगा, तो why to write it separately for that particular diagram, क्लियर हुआ। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो पहले इतना कॉपी कर लो, ठीक है मैं इसको रब कर रहा हूं, तो देखो द स्मॉलेस्ट, अब क्या बोला d इज ग्रेटर देन जीरो, तो पहले d निकाल लेते हैं, तो 8 इंटू के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो इधर से आया 8 इज 64, 16 टू 32, 32 इंटू 24 से, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल इन द सेंस इसको कॉमन लेके जीरो के पास भेज दिया, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, तो इससे आया मेरा के ग्रेटर देन 1, तो पहला इनइक्वालिटी का सिंपल सा आंसर आ गया के ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, इतना लिखने में बोलनी पड़ेगी द लीस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इज 1, नहीं 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 अभी और भी कंडीशन है ना, सेकेंड कंडीशन वॉट ए इंटू एफ ऑफ 4 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डोंट राइट इट ओनली ग्रेटर देन, मैंने बोला इक्वालिटी इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज उसने बोला है 4 या 4 से ज्यादा, नॉट 4 से ज्यादा ओनली, तो ए एफ 4 ए इज 1, एफ ऑफ 4 रखूंगा तो 4 4 का 1 तो हटाओ इसको कोई काम का नहीं है, तो 4 रखूंगा इधर तो 16 माइनस 8 के इंटू 4 प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इधर से मैं 16 बाहर भेज देता हूं, तो इधर इधर बचा 1 माइनस 16 इधर भेजूंगा तो माइनस 2 के बचेगा प्लस इधर से के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो फाइनल इधर से क्या मिला के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब इसके रूट दिख रहे हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से, सम ऑफ रूट इज 3 प्रोडक्ट इज 2, तो 1 एंड 2 होंगे इसके रूट्स, तो 1 एंड 2 होंगे इसका मतलब 1 और 2 और ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे क्या चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल टू भी है याद रखना, इसलिए फिल्ड सर्कल आएगा, ये आया और ये आया, और इसका आंसर भी मार्क कर लेता हूं एक्स ग्रेटर देन 1, ये मेरा पहला इनइक्वालिटी का आंसर था, ठीक है अभी अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, अभी मेरे को एक और कंडीशन सॉल्व करनी है, कौन सी वर्टेक्स वाली, कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 4, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले इतने पार्ट को रब कर रहा हूं, तो तुम लोग इसको कॉपी कर लो, क्या बोला मैंने एक इनइक्वालिटी और रह गई हमारी कि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा पैराबोला ऐसा था ना, ये 4 था हमारा, मतलब इधर 4 था ये और दोनों में से, तो क्या होगा इन बोथ द केसेस क्या होगा, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज माइनस b बाय 2a दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 4, तो माइनस ऑफ b और b कितना होगा माइनस 8k,
डिवाइड बाय 2a, 2a इज 1, इज ग्रेटर देन 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 टाइम ये 4 टाइम्स, तो k इज ग्रेटर देन 1 आया इधर से भी, तो इसका भी k ग्रेटर देन 1 आया, दिस इज 1. अब मैंने बोला व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीस थ्री, यू विल सी द इंटरसेक्शन इज दिस मच पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, और 1 पे भी क्लोज, सॉरी ये 2 है, 2 पे भी क्लोज आएगा बिकॉज इधर भी इंक्लूडेड है 2 एलिमेंट, इधर भी है और इधर भी है, इधर क्यों है क्योंकि फिल्ड है, तो आंसर क्या मिला, k belongs to 2 क्लोज से इंफिनिटी, दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k. अब उसने क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, इफ आई आस्क यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज व्हाट, लीस्ट एलिमेंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा मेरा 2, तो k मिनिमम इज इक्वल टू 2, सो दिस इज द आंसर. तो देख रहे हो कुछ टफ लगा तुम्हें, हमने जो क्वेश्चन किए हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में, क्या उससे टफ है ये क्वेश्चन, नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, अगर वो तुमने अच्छे से समझाया तो इसको आराम से कर लेते सॉल्व, ठीक है, जिससे अगर नहीं हुआ है, जी मैंने टाइम दिया सॉल्व करने का, अगर जिससे नहीं हुआ डेफिनेटली इसका मतलब तुम्हारा पिछला गड़बड़ है कुछ, ठीक है, बट करो मेहनत करो, पूछो डाउट्स वगैरह, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इतने पार्ट को कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो जे 2011 सिंगल करेक्ट एडवांस, अ वैल्यू ऑफ स्मॉल बी फॉर विच द इक्वेशंस फॉर विच द इक्वेशंस x square plus bx minus 1 is equal to 0, comma x square plus x plus b equals to 0 have one root in common. Have one root in common. Or options are, options दे रखे थे, this came in single correct, ठीक है ना, single correct में आया था JEE advance में, minus i times root 3, option c is i root 5, एंड ऑप्शन डी इज रूट 2, ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व और फिर मैं डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है. तो करें डिस्कशन इसका, तो देखो द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, ये पूछा है, तो कॉमन रूट कंडीशन लगाना है इसमें तो कुछ है ही नहीं, और या फिर दूसरे मेथड से भी कर सकते, क्या करते थे हम उसमें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आई विल फाइंड एक्स, वो कॉमन रूट होगा वो इसमें रख देते थे, तो बट आई विल हियर आई विल डू क्या, कॉमन रूट कंडीशन. देखो वो मेथड कब काम आएगा, जब तुम्हें कॉमन रूट निकालना हो, बट इधर हमें एक पैरामीटर बी इंट्रोड्यूस किया ना, बी की वैल्यू निकालनी है, सो आई विल यूज कॉमन रूट कंडीशन. तो देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर, मैं ऐसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस x plus b is equal to 0. हमें तो ऐसे ही लिखा करो एक के नीचे, so that वो common root condition लिखना आसान होगी. कैसे लिखते हैं देखो, common root condition क्या होती है? First I will write the middle one, फिर लिखूँ x square coefficient 1 into b, तो आया b. फिर minus, फिर 1 into minus 1, minus 1, तो minus 1 into 1 plus 1 हो गया, this का square, ये होता है ना, a1 c2 minus a2 c1 square is equal to, अब क्या करें इसको हाइड कर लो, तो क्या आएगा 1 इंटू 1, 1 इसको हाइड कर रहा ना, हाँ ठीक है, माइनस 1 इंटू बी, बी इंटू, अब इसको हाइड कर लो, तो बी स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट. अब इसको सॉल्व करना है, करते हैं इसको, तो बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बी इज इक्वल टू, तो 1 से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो बी स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस बी क्यू माइनस बी, तो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल, ये 1 से ये 1 कैंसिल, तो यह लेफ्ट आउट विद बी क्यूब इधर आया, हाँ बी क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकता हूं b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक तो आया b इज इक्वल टू 0 और एक आया b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, और b इज इक्वल टू माइनस 3 को कैसे लिखते हैं, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 विच इज नथिंग बट प्लस माइनस i रूट 3, तो b की हमें तीन वैल्यूज मिली, 0 प्लस आई रूट 3 एंड माइनस आई रूट 3. अब देख लेंगे हम इसमें ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है, तो ये भी नहीं है, हाँ ये है एक तो ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सिंगल करेक्ट था वैसे भी, तो दिस इज माय आंसर.
तो देख लो एडवांस में कितना आसान क्वेश्चन आया है, सिंपल, मतलब ऐसे बोल सकता हूं, मतलब बहुत ही ज्यादा एडवांस के लिए, एडवांस के लेवल ऑफ से बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एडवांस में, इसलिए मैं करा रहा हूं, सो दैट तुम्हारे अंदर से जो फोबिया है ना वो दूर हो जाएगी। नहीं एडवांस मतलब बहुत हाई फाई, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं बोल रहा हूं 50% जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं दे वर मॉडरेट टू इजी, दैट यू कैन स्कोर इजली इफ यू विल कंसंट्रेट व्हाट एवर आई एम राइटिंग इट ना। मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूं हर एक लेक्चर को अगर तुमने ध्यान से सुना है विद फुल कंसंट्रेशन एंड प्लस एटलीस्ट आरडी शर्मा और जो मैं डीपीपी देता हूं वो कर लोगे, गारंटेड बोल रहा हूं, एडवांस में भी यू विल सिलेक्ट। बट क्या होता है बच्चे लोग करते नहीं है, इसलिए नहीं सिलेक्ट होता है और बोलते बहुत हार्ड है हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है चलो अब मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो इसको। और मैंने वैसे क्या बोला, एक और मेथड क्या था जो हमने सीखा था कॉमन रूट के टाइम, हम क्या करते थे एक्स स्क्वायर को गायब करने के लिए सबट्रैक्ट करते थे, बट इधर तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो इधर से क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस बी, उससे क्या आ जाएगा कॉमन रूट आ जाएगा एक्स आ जाएगा, एक्स आ गया मतलब कॉमन रूट आ गया, वो इसमें रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो तुम्हें अगेन बी में वही इक्वेशन मिलेगी जो हमें कॉमन रूट कंडीशन लगाने में मिली थी। ठीक है ना, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दिस इज फ्रॉम 2010, मैं केवल डाटा लिख रहा हूं पूरा लैंग्वेज रीड नहीं कर रहा हूं। ठीक है दिस इज फ्रॉम 2010, लेट पी एंड क्यू बी द रियल नंबर्स, ऐसे दे रखा है जहां से इंफॉर्मेशन काम की वो यूज कर रहा हूं मैं। हाँ ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन, एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है एंड दे आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू क्यू, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा। ठीक है क्या ऐसे लिख लो, चलो क्योंकि इसमें तो बहुत वो दे रखा है खचपच करके, उतना इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है एक्चुअली क्वेश्चन में जितना दिया है। मैंने बोला कि एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है और वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा, एक लेट से मैंने लिखा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक रूट अल्फा एंड बीटा है और एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि सम ऑफ रूट इज माइनस पी एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट इज क्यू। फिर मुझे निकालना है फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स एज दिस एंड दिस, तो इसको करते हैं हम। ठीक है तो तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो जिसने नहीं ट्राई किया है। तो मैंने बोला तो हमें कैसे लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये होता है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। सम में तो क्या आ जाएगा इन दोनों का सम माइनस अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चलो लिख लो पहले कंप्लीट अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो मेरा वन हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा से अल्फा कैंसिल। अब क्या करूंगा मैं, मुझे क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे को ये जो एक्सप्रेशन है ना स्पेशली सम ऑफ रूट्स में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, तो देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा दिस होल इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो दिस विल बी माय आंसर। बट मुझे अब क्या निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है क्लियर है, अच्छा तो अब मैं यूज कर रहा हूं ये इंफॉर्मेशन। तो देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अब मैंने क्या किया इधर वैल्यू प्लग कर दी तो ये क्यूब इधर आया इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी तो माइनस पी इंटू इधर से आया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हो गया माइनस क्यू बाय पी इज इक्वल टू। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा और ये एक अल्फा बीटा अलग से दे रखा है तो फाइनली आई एम राइटिंग इट हियर, देखना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा, देखो ऊपर वाली चीज ही लिखिएगा वन एंड द सेम थिंग, इधर से टू अल्फा बीटा आएगा माइनस थ्री अल्फा बीटा करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा आ गया। अब इसमें प्लग कर देता हूं वैल्यू अल्फा प्लस बीटा तो ये हो गया माइनस क्यू बाय पी इज इक्वल टू और अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी तो माइनस पी का स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा बीटा, तो इधर से मेरा क्या आ गया थ्री अल्फा बीटा, थ्री अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी
देखो इधर, तो फाइनली मुझे इधर क्या मिला, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, दैट इज 1/3 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू बाय पी। इसको एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, इसको एलसीएम लेके लिख दो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 3p हो जाएगा इधर, हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू। तो मेरा अल्फा इंटू बीटा आ गया, और अब देखो अल्फा इंटू बीटा आ गया, तो एक काम करो अब इसमें रख देते हैं हम, तो इसको भी मैं क्या रख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सम ऑफ रूट में रख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो फाइनली देखो वैल्यू तुम लोग प्लग करना, मैं आंसर लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख रहा हूं इधर से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा और इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिक, टिक ये स्क्वायर है इधर। तो देखो अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली अल्फा इंटू बीटा एक तो इधर रखोगे और एक अल्फा प्लस बीटा डेट इज माइनस पी इधर रखोगे, तो इधर जो क्वाड्रेटिक आएगा उस हमारा पी और क्यू के टर्म्स में आ जाएगी क्वाड्रेटिक, वही निकालना था मुझे, क्लियर है? ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन टफ लगा क्या? ऑफकोर्स नहीं है, कितना ईजी क्वेश्चन है ये, हम ये जो क्वेश्चन की लास्ट के दो क्वेश्चन तो मतलब एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी है, मतलब मेंस लेवल के क्वेश्चन है और आए एडवांस में, ठीक है ना? सो यू कैन सी कि एडवांस का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट्स जिससे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एडवांस का है और 2011 में आया है और ये तुम्हारे शीट पे भी था, मुझसे किसी ने डाउट तो नहीं पूछा था, आई डोंट नो सबका कैसे आ गया ये, क्योंकि थोड़ा ठीक क्वेश्चन था। एक्स स्क्वायर माइनस, चलो पूरा लिख लो स्टेटमेंट साइड, लेट दिस इज फ्रॉम 2011, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना? और दे रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ ए टेन माइनस टू टाइम्स ए एट अपॉन टू टाइम्स ए नाइन, ठीक है? तो अब चलो इसको करते हैं, पहले तुम लोग एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है? इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज सी द सोल्यूशन। चलो अब देखते हैं, मैंने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड दिस। तो पहले तो मैंने इसमें ये वाली वैल्यू रख दी, इसमें प्लग कर दी, ए टेन क्या होगा, इधर एन की जगह टेन रखूंगा तो क्या आएगा, अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन, तो मैं इधर ए ये वाली वैल्यू रख रहा हूं पहला टास्क, तो अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन माइनस ट्वाइस ऑफ ए एट, कितना हो जाएगा, इधर एन की जगह एट रखूंगा तो जाएगा अल्फा की पावर एट माइनस बीटा की पावर एट होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए नाइन, ए नाइन क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन, ठीक है? यहां तक क्लियर है? अच्छा अब देखो, अब क्या किया, ये अल्फा की पावर टेन और इस टू अल्फा की पावर एट, इसमें से अल्फा की पावर अगर एट कॉमन लेता हूं मैं तो क्या बचेगा, देखो इधर से अल्फा स्क्वायर बचेगा और अल्फा की पावर एट इस वाले टर्म में कॉमन लूंगा तो माइनस टू बचेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस टू, क्लियर है? अब मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूं तो माइनस बीटा की पावर एट कॉमन ले रहा हूं तो इधर से बचा बीटा स्क्वायर, इधर से क्या बचेगा माइनस टू अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन। पहले देखो इतना समझ में आया क्या जो मैंने लिखा अभी तक, इज इट क्लियर? कुछ नहीं किया, इसको सेपरेट करके ऐसे लिखा है, जैसे मान लो इट इज समथिंग लाइक दिस, अल्फा की पावर टेन माइनस टू अल्फा की पावर एट और प्लस, चलो प्लस लिख लेता हूं, प्लस टू बीटा की पावर एट माइनस बीटा की पावर टेन, तो इसमें से अल्फा स्क्वायर कॉमन लिया, इसमें से माइनस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा की पावर एट कॉमन लिया इसमें से और इसमें माइनस बीटा की पावर एट, तो ये मेरे को बना। अब देखो अब थोड़ा अब मेन स्टेप आ गए हैं, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, मेन स्टेप। तो देखो अब क्वाड्रेटिक पे फोकस करो, एक मिनट, इसमें क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा अंतर होगा, दिस शुड बी माइनस टू आई थिंक, हाँ दिस शुड बी माइनस टू, एक करेक्ट कर लेना क्योंकि वही अब मैं बताऊंगा ऐसा मैं क्यों समझा क्वेश्चन देख के, इट शुड बी माइनस टू। देखो द रीजन इज ये डिबगिंग का चीज हो गई, तो मैंने बताया ना कि अभी जैसे मुझे डाउट आया कि वो प्लस टू नहीं हो सकता, द रीजन इज इधर अल्फा स्क्वायर माइनस टू टाइप की चीज बन रही है, तो डेफिनेटली अगर अल्फा स्क्वायर रूट है तो इधर भी अल्फा स्क्वायर माइनस टू बनना चाहिए,
क्लियर है, दिस इज अ काइंड ऑफ हिंट, मतलब बोल सकते हैं कि इससे मुझे पता चला कि उधर माइनस टू होना चाहिए। तो अब इधर अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर को अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस सिक्स अल्फा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इधर से क्या आया अल्फा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स अल्फा। सिमिलरली यू विल गेट बीटा स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू सिक्स बीटा। क्लियर है, अब इधर वैल्यू रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा क्या बोला सिक्स अल्फा, तो सिक्स अल्फा इंटू अल्फा की पावर एट कितना हो जाएगा सिक्स अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा स्क्वायर माइनस टू सिक्स बीटा, सिक्स बीटा इंटू बीटा की पावर एट सिक्स बीटा की पावर नाइन सिक्स बीटा की पावर नाइन, और नीचे क्या लिखा है टू टाइम्स अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन, यू कैन टेक सिक्स कॉमन और नीचे बचेगा टू वो कैंसिल हो जाएगा, इधर जो फैक्टर बनेगा ऊपर क्या बनेगा अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन और नीचे भी अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन, तो ये कैंसिल और ये थ्री टाइम्स, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थ्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन इज थ्री। क्लियर हुआ बच्चों, तो ये मैं बहुत इजी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट हमने इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए हैं इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है ना, जब हम ये वाला फैक्ट यूज करते थे कि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर इस फिर हम क्या करते थे जो पॉलिनोमियल होता था उसको रिड्यूस करते जाते थे हायर डिग्री पॉलिनोमियल को। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को एडवांस लेवल का होमवर्क देता हूं, एडवांस मतलब प्योरली एडवांस है वो, मतलब टफ क्वेश्चन बोलूंगा मैं उसको, वेरी टफ क्वेश्चन, बट उसमें काफी सोचना पड़ेगा और मैं बता दूंगा क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें यूज होगी, क्योंकि हर एक को वो इन्फॉर्मेशन शायद अभी नहीं पता हो। ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत पार्ट तो क्वाड्रेटिक का यूज होगा और थोड़ा बहुत पार्ट एएमजीएम का भी यूज होगा। ठीक है, और थोड़ा सा पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा एक सिंगल क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं द क्वेश्चन इज ऑफ गुड लेवल। तो लिखो क्वेश्चन, मतलब जिसका ये आ गया ये समझ लो कि काफी हद तक उसे अच्छा चल रहा है और काफी अच्छा करेगा वो आगे जाके भी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू इफ दिस हैज टू सॉल्यूशन विथ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू टू कॉमा फाइव देन दी मैक्सिमम then the maximum value of a into c upon b square is dash। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला एक बार लिख लेता हूं, क्या 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 है, मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं जस्ट आई एम सेइंग कि क्या क्या यूज होगा। एक तो नॉलेज ऑफ ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक, ठीक है, देन नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत, एंड अगेन नॉलेज ऑफ एएमजीएम। ठीक है, तो दीज थ्री इंफॉर्मेशन विल बी यूज हियर। तो अगर तुम्हारी इसमें से एक भी तुम्हें नहीं आती तो फिर तुम शायद नहीं कर पाओगे सॉल्व। ठीक है ना, और वैसे मैंने जो फाउंडेशन लिया था तो उस वक्त ये तीनों चीजें पढ़ाई गई थी। ठीक है, सो आई होप उनमें से कोई कर पाए ये। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल वरी करने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है ना, डेफिनेटली ये तुम्हें कब हो पाएगा हमारा, जब हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे सीक्वेंस सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, बट मैंने अभी के लिए इसलिए दिया, देखते हैं किसका दिमाग लगता है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एडवांस, इसको मार्क कर लो स्टार मार्क, सो दैट अगर अभी मान लो तुम्हें नहीं भी आता है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, बाद में यू कैन रेफर दिस। ठीक है, सो बस इतना काफी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन में जितना ही मैंने डिस्कशन लिया कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट है तो आज के आज कंफर्म कर लेना। ठीक है बच्चों, चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।